नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, जोधपुर राजस्थान से। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वुडन कोर कैसे बनाएं। आप अगर बांसुरी बजाते हैं तो आपके सामने ये समस्या जरूर आती होगी कि कोर कौन सा लगाएं, कैसा लगाएं और कौन सा कोर अच्छा रहता है। ज़्यादातर दोस्तों वुडन कोर ही अच्छा रहता है। ये एक वुडन की शीट आती है, इससे मैं आज आपको कॉर्क बनाना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं कॉर्क। सबसे पहले जो भी बांसुरी का कॉर्क आपको बनाना है उसका आपको ऐसे नाप लेना है, फिर एक चाकू की सहायता से उस टुकड़े को काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस टुकड़े को काट लिया है। अब आपको क्या करना है, इस नाप का इसको काट लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, चाकू से आराम से कट जाता है। आपको क्या करना है, इसके चारों कॉर्नर काट लेने हैं। काटने के बाद आपको इसको देखना है। कोर बनाते समय दोस्तों एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जिस बांसुरी का आप कोर बना रहे हैं वो कोर उस बांसुरी से ज्यादा साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए। जितने इस बांसुरी की थिकनेस से 1 mm अंदर की गोलाई से 1 mm ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ज्यादा टाइट आप इसके अंदर कोर फंसाएंगे तो बांसुरी फटने का डर रहता है। इतना गोल होने के बाद आपको इस औजार की सहायता से इसको हल्का हल्का गोल कर लेना है। जो भी अपन ने काटे थे सारे कॉर्नर को अपन घिस के इसको एकदम गोल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आराम से गोल हो गया है। अब अपन इसको अंदर डालने का ट्राई करते हैं। अब किसी भी चीज की सहायता से आप इसको अंदर धकेल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अब एक बार अंदर जाने के बाद आप इसको अंगूठे की सहायता से ऐसे दबा दीजिए। ये कॉर्क इसके अंदर फिट हो गया है। अब कोई भी औजार या किसी की सहायता से आप इसको अंदर दबा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम कॉर्क आसानी से इसके अंदर फिट हो गया है और इसके अंदर कोई भी हवा लीक नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। ये कॉर्क बांसुरी में वुडन कॉर्क बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे आवाज बहुत ही अच्छी आती है। ये कॉर्क बनाने के लिए एक ऐसी सीट आती है दोस्तों, ये सीट अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ये सीट मेरे पास उपलब्ध हो जाएगी आपको। ये मिडल ग्लूट के लिए ये 10 mm थिकनेस है इसकी सीट की, वो अच्छा रहता है। और बेस फ्लूट, जब आप डी बेस, सी शार्प, सी बेस या शंख फ्लूट बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये बड़ा वाला जिसकी थिकनेस 15 mm है वो वाला शीट लेना पड़ेगा। इसका कॉर्क भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे बनता है। ये देखे दोस्तों, ये जो 15 mm वाला आता है कॉर्क का शीट, वो उसका दाना थोड़ा मोटा होता है, इसलिए अपन को इसको सावधानी से काटना पड़ेगा। इसके चारों कॉर्नर अपन ने काट लिए और इसको गोल करने के लिए इसके सारे कॉर्नर को हल्का हल्का काट लेंगे। जैसे जैसे कॉर्नर काटते जाएंगे वैसे वैसे कॉर्क गोल होता रहेगा। अब अपन इसको एक सैंड पेपर की सहायता से इसको गोल करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये एकदम गोल कॉर्क हमने बना लिया है सैंडपेपर की सहायता से। बहुत ही अच्छा कॉर्क है, बांसुरी में आप लगाइए और बांसुरी बजाइए, बहुत ही अच्छी आवाज आएगी। मार्केट में ये बना बनाया कॉर्क मिलता है, लेकिन बहुत ही महंगा मिलता है। आप ये कॉर्क सीट आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना आप ये सीट लेने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बंद कर देते हैं।